पार्ट बनाने में टाइम तो लगता है, महीने डेढ़ महीने तीन महीने, लेकिन शूटिंग 10 दिन 15 दिन एक महीना बस। तो फिल्मों की शूटिंग 10 दिन 15 दिन एक महीना की और सेट तोड़ दिया। तो ये प्रोसेस है फिल्म सिटी में शूट करने का। सेट कैसे बनते हैं? लकड़ी, प्लाई, पीओपी, लोहा, पेंट, कपड़ा, थर्माकोल, फाइबर, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ें बनाते हैं। आगे राइट हैंड साइड पर जो जगह आने वाली है उसे कहते हैं वेलकम मैदान। वेलकम फिल्म में अनिल कपूर, नाना पाटेकर का बंगला यहीं पे बना था। वेलकम की शूटिंग और इसी वेलकम मैदान में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। स्क्रीन पर हमें एक गाना दिखाई दे रहा है, चिटिया कलाइया, रॉय फिल्म का गाना है। हमने जब ये गाना देखा तो हमें लगा ये फॉरेन की लोकेशन होगी, पर ये कोई फॉरेन की लोकेशन नहीं थी, वो तुरंत वाली लोकेशन थी। मतलब वो यहाँ पर बना हुआ सेट था। ये एक्ट्रेस हाथों में शॉपिंग बैग लेके शॉप से निकल रही है, वहाँ अंदर शॉप है ही नहीं, सिर्फ बाहर से दिख रहा है। वो एक्टर हाथों में शॉपिंग बैग लेके वो चुपचाप रेडी पोजीशन में खड़ी थी, जैसे डायरेक्टर ने एक्शन बोला बाहर आके डांस करने लगी। मधुबाला सीरियल, बावरे सीरियल, छोटी बहू सीरियल, बहू हमारी रजनीकांत सीरियल, इन सब के सेट यहाँ पर बनाए गए। अभी एक नया सीरियल आने वाला है, लव का है इंतजार, उसका सेट यहाँ पर बना रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर में अभिषेक बच्चन का मोहल्ला भी यहीं बनाया था। तो स्क्रीन पे जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे बना हुआ सेट है। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए गांव दिखाई दे रहा है आपको। मोह मोह के धागे सीरियल आता है, ये वो गांव है। कोई देखता है मोह मोह के धागे? कोई नहीं, कोई बात नहीं, घर जाके देख लेना। तो इसी जगह पर पहले यम है हम सीरियल शुरू होता था। ये गेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए यम है हम। तो यहाँ पर पहले यम है हम सीरियल में दिल्ली बना था, दिल्ली की कॉलोनी, चंद्रपुरी कॉलोनी, और अभी गुजरात का गांव बना है। अब देखिए यहाँ पर आपको अपनी आंखों से बहुत कुछ दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है? बाहरी कचरा, वो टूटी झोपड़ी, टूटी दीवार, टूटा गेट, अंदर ऑटो, लोग, चेयर, सब कुछ। लेकिन सीरियल में आपको ये कुछ भी नजर नहीं आएगा, न ये टूटी दीवार, न टूटा गेट। क्यों? इसे दिखाना ही नहीं है। जिन चीजों को दिखाना है उस पर काम करते हैं, उस पर पैसा खर्च करते हैं। इस दीवार को नहीं दिखाना है, इस पर पैसा क्यों खर्च करें, इस पर काम क्यों करें, मेहनत क्यों करें? तो ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ कैमरा की इंडस्ट्री है। यहाँ पे सारी चीजें कैमरा में जो दिखाई जाएंगी वो आपको टीवी पे दिखेगा, वही सिनेमा हॉल में दिखेगा। बड़ी जल्दी कर दी यम और चित्रकूट को बचाते हैं। जिस वाहन को चलाने के लिए हम लाइसेंस बनवाना चाहते हैं उनका नाम है मनीष। अरे आप लोग भी आ गए घूमने, वाह क्या बात है। ये जो आप दाई तरफ देख रहे हैं दोस्तों, इसे जोश में डाल देखिए। राइट हैंड साइड पर एक महल बना हुआ है, ये महल आप लोगों को दिखाई देगा पद्मावती फिल्म में, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर के आने वाली फिल्म। इस जगह को जोश मैदान कहते हैं। आप लोगों ने जोश मूवी देखी शाहरुख खान की? उसमें गोवा देखा था, वो असली नहीं था, वो पूरा सेट था। रामलीला फिल्म में गुजरात बनाया था, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का मोहल्ला। बाजीराव मस्तानी में शनि वारवाड़ा महल पुणे वाला, वो महल भी यहाँ बनाया गया था। एक और खास बात, बेबी को बेस यहीं पे पसंद आया था। सुल्तान मूवी आपने देखी, उसमें जो मोहल्ला था, अखाड़ा, वो मजार, वो सब कुछ यहीं बनाया गया था। तो स्क्रीन पर जो आपको सेट नजर आ रहे हैं दादा के, चलिए ये सब, ये जो आप गोवा देख रहे हैं ये सब लकड़ी, प्लाई, पीओपी का मोहल्ला। ये चर्च पीछे से खोखला है, ऐसे ये दीवारें खोखली है, इसलिए यहाँ हू बहू अंदर से खूबसूरत उभरा हुआ डिजाइन और पीछे की तरफ से खाली, क्योंकि उसे नहीं दिखाना है। वहाँ पे ब्लू कलर का गेट दिख रहा है, उसके ठीक सामने देखिएगा बड़ा सुंदर सा सेट नजर आया। हमें अपनी आंखों से देखने पर भी वो नकली नहीं लग रहा था, तो कैमरा में कैसे लगेगा। अच्छा इसी जगह पर दुबई भी बना था, हैप्पी न्यू ईयर फिल्म में शाहरुख और उसके फ्रेंड्स दुबई गए थे डांस में हिस्सा लेने के लिए। तो वो दुबई गए, दुबई जाकर उन्होंने बाहर बाहर का दुबई शूट किया, एयरपोर्ट, होटल, रोड साइड, सी साइड। पर जब वो दुबई के होटल के अंदर गए, पहुंचे यहाँ, मतलब अंदर का होटल जहाँ वो ठहरे, जहाँ उन्होंने चोरी की, जहाँ पार्टी की, जहाँ डांस किया, वो सब इंटरनल पार्ट। स्क्रीन पे आपको जितना भी अंदर का दुबई दिख रहा है वो सब यहाँ बना था सेट। देखिए हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर आप लोगों को ये सेट बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे हैदराबाद बना रहे, एक फिल्म का सेट बनाया जा रहा है यहाँ पर। इस फिल्म का नेम अभी डिक्लेयर नहीं किया गया, इसलिए मुझे भी इसका नाम नहीं मालूम है। इस जगह को कहते हैं जोकर मैदान। अक्षय कुमार की फिल्म जोकर में पगलापुर गांव यहीं बना था, यहीं पर
सुल्तान मूवी में सलमान खान ने एक भारी भरकम आदमी को पटक दिया था, वो वाली फाइट यहीं पे शूट की गई थी। जब आप दोबारा कभी वो फाइट देखेंगे तो जहाँ पे दर्शक बैठे हैं उनके पीछे यही पहाड़ नजर आएगा। यहीं पर रईस मूवी में दरियापुर जगह बनी थी, गुजरात की जगह दरियापुर, तो यहाँ पर सेट बनाए जाते हैं। अभी एक महीने हो गया इसको बनाते बनाते, अभी आधा महीना और एक महीना और लगेगा। जब ये सेट बन जाएगा फिर यहाँ पे शूटिंग की जाएगी। तो जब वो शूटिंग खत्म, सेट खत्म, फिर खाली मैदान।